क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। मुंबई इंडियंस ने आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया और पॉइंट्स टेबल में भी अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली। 12 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ की दौड़ में मुंबई अब काफी आगे बढ़ गई है, मगर दिल्ली के कोटला में खेले गए मैच में मुंबई के दो खिलाड़ियों ने ऐसी बेवकूफी की जिसे देखकर फैंस का कहना है तो ऐसा तो गली क्रिकेट में भी नहीं होता और यहां इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने ऐसा कर दिया। तो आपको अंत में इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप मुंबई के फैन हैं तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10वां ओवर अक्षर पटेल कर रहे थे और सामने थे सूर्य कुमार यादव, जो लगातार मुंबई के लिए कई सीजन से खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्विंटन डिकॉक थे, जो साउथ अफ्रीका की कप्तानी भी कर चुके हैं। अब अक्षर पटेल की बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने शॉट मारा और बॉल सीधे फील्डर रबाडा के पास चली गई। सूर्य कुमार यादव रन के लिए थोड़ा आगे बढ़े लेकिन फिर वापस आ गए। उधर दूसरी तरफ से क्विंटन डिकॉक ऐसी एक्सप्रेस गाड़ी में सवार हुए कि उनकी रफ्तार रुकी नहीं और वो सीधे दूसरे एंड पर पहुंच गए। तो यादव अपने क्रीज पर वापस आ गए और उन्हीं के क्रीज पर क्विंटन डिकॉक भी पहुंच गए, यानी दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए थे और दिल्ली को क्विंटन डिकॉक का विकेट एक तरह से गिफ्ट कर दिया। अब ऐसा तो गली क्रिकेट में भी नहीं होता, मगर यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले दो खिलाड़ियों में इतना बुरा तालमेल था कि वो एक ही छोर पर पहुंच गए और आसान सा रन आउट दिल्ली को दे दिया। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।